आज मैं आपको SCR कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डेमो करने जा रहा हूँ। और इसके साथ हमें यूज़र मैनुअल दे रखा है, पेज नंबर 7 पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR है। इसमें पूरा प्रोसीजर लिखा है कि आपको कैसे कनेक्शन करने हैं और किस ऑब्जर्वेशन टेबल पर आपको क्या क्या नोट करना है, जिससे कि आप इसका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कर सकते हो। उसके बाद मैंने पेज नंबर 9 पे इसी में कनेक्शन डायग्राम ऑफ SCR कैरेक्टरिस्टिक का कनेक्शन डायग्राम दे रखा है, जिससे कि आप 2 mm केबल से इसमें कनेक्शन कर सकते हो। अब मैं आपके सामने कनेक्शन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने जो सबसे पहले ध्यान रखना है, हमारे को सबसे पहले यहाँ वेरिएबल 100K का लगा रखा, इसको हमारे को सेट एट ए मिनिमम पॉइंट पे रखना है। उसके बाद आपने हमने 2 एमीटर दे रखे हैं, तो हमने जैसे ही इसमें मैनुअल में रखा है 20 mA की तरफ आपको स्लाइडिंग स्विच रखना है, और उसके बाद हमारे को कनेक्शन करने हैं। सबसे पहले मैंने ये दिया इसका पॉजिटिव एंड DC 1 के इसमें नेगेटिव पॉजिटिव में गया। उसके बाद मैंने इसको एक ग्राउंड यहाँ से दिया, आपने कनेक्शन में यहाँ देखो लिख रखा है। अगला मेरे को कनेक्शन इसमें यहाँ पर एमीटर में लगाया, दूसरा एंड भी मैंने एमीटर में लगाया है, जैसे कि कनेक्शन डायग्राम में आपका ये बना हुआ है। उसके बाद मैंने सिंपल ये वोल्ट मीटर लगाया है, इसके अक्रॉस में वोल्ट मीटर ये ऊपर वाला यूज़ कर रहा हूँ V1 वाला, उसका नीचे का जो एंड है वो V1 की मैनुअल वाला हाथ नीचे लाओ थोड़ा। उसके बाद मैंने ये कर लिया कंप्लीट, ये 2 I2 मीन्स मीटर का दूसरा I2 हो गया, तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद सिंपल ये दूसरा ये I2 फिर इसके इसमें लगा दिया है। उसके बाद मैंने DC 2 सप्लाई देनी है, तो ये पॉजिटिव एंड DC 2 की यहाँ से पॉजिटिव सिलेक्ट की है, और उसके बाद ये ग्राउंड मैंने DC 2 का ग्राउंड। ध्यान रखिएगा इन सबको पहले मिनिमम वॉट को रखना है हमें। अब मैंने कनेक्शन अगर कर लिया तो वेरीफाई मेरे को करना है सही कनेक्शन लगे नहीं लगे हैं, और अगर आप देखोगे ये कनेक्शन रह गया DC 2 का, ये हमारा V2 के में लगा है, तो ये पॉजिटिव है इसके लग गया है, और नेगेटिव है इसका V2 का जो नेगेटिव है ये आपका दूसरे के DC 2 के में। अब मैंने किट को सिंपल ऑन करा है कनेक्शन वेरीफाई करने का, तो आप देखोगे ये मेरा क्या है, ये एमीटर है, ये भी एमीटर है, ये भी V1 और V2 का है जो कि वोल्ट मीटर है। सबसे पहले मैंने क्या करा, जैसे मैनुअल में हमने दे रखा है आपको V1 ये आपका DC 1 को मैंने 2 वोल्ट रखा है। जैसे मैंने 2 वोल्ट इसको फिक्स करा, तो 2 वोल्ट मैं क्या कर रहा हूँ, 2 वोल्ट मैंने इसकी रखी है, ये अगर आप देखोगे तो ये मैंने इसका जो ये वो है 2 वोल्ट यहाँ पर रखी है, इसी आपको 2 वोल्ट पे। अब मैंने क्या इसको नीचे फिक्स कर दिया, उसके बाद मैंने नीचे पॉइंट करा जो कि मेरे गेट पे 4 वोल्टेज कर दिया। अब हमें तो इसमें करंट दोनों का नोट करना है। अब मैं DC 2 को वेरी जैसे जैसे करता हूँ, तो अब आप देखोगे यहाँ पर पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आके मेरा ये कांस्टेंट हो जाएगा, और आप देखोगे ये मेरे को वोल्टेज भी नोट करनी है और ये करंट भी नोट करना है। उसके बाद फिर मैंने मिनिमम करा, फिर मैंने उसको 4 वोल्ट रखा, जैसे मैं 4 वोल्ट रखता हूँ, 4 वोल्ट फिक्स कर दिया मैंने, फिर ये 4 वोल्ट कर दिया, फिर मैंने DC 2 को वेरी करना है। आप देखोगे यहाँ पर आपका पर्टिकुलर एक पॉइंट पे करंट स्टेबल हो जाएगा और ये वोल्टेज और करंट बढ़ती है। अगर इसमें आपका नेगेटिव आ रही है तो यहाँ पे करंट की पोलैरिटी आप उल्टी कर सकते हो, जिससे कि आप कन्फ्यूज ना हो। उस हिसाब से आप देखोगे आपके ऊपर फिर एक और रीडिंग नोट कर लीजिए। जैसे आप हमने केबल में दे रखा है V1 की तरफ करा, मैंने सपोज इसको फिर मैंने रखा 8 वोल्ट रखा, 8 वोल्ट मैंने फिक्स कर दिया, तो आप
ये नोट करते जाओगे तो ये हमने इसमें लेबल भी दे रखी है, उसके ऊपर में आप इस तरह से डिपेंड वगैरह आप बना सकते। तो ये मेरा सीआर जनरेशन का एक्सपेरिमेंट है। अब मेरा दूसरा एक्सपेरिमेंट है करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रैक। जैसे कि मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर वन में सीआर का करा था एसी ट्रैक का है, इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर टू है जिसमें हमने प्रोसीजर भी लिखा है, प्रोसीजर हमने लिखा है तो उसमें हमने कनेक्शन डायग्राम भी बनाया। जैसे कनेक्शन डायग्राम सिंपल, आपको क्या करना है सिंपल, वही आई टू को आपने शिफ्ट करा देना है ट्रैक के गेट पर करा देना है। ऐसे ये मेरे वोल्टेज जो कि मेरा लग रहा है एनोड पे कर देना है और ये ग्राउंड कॉमन कर देना, बाकी सेम कनेक्शन। मतलब आपको बशर्ते एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो कि मेरा 100 के का है उसको आपको फुल क्लॉक वर्क करना है, ये ध्यान रखिएगा। हमने मैनुअल में मेंशन भी करा इसमें कि आपको ये करना है। अब मैंने सेम वही प्रोसीजर करा है, मैंने कनेक्शन चेक कर लिए, कनेक्शन चेक करने के बाद मैंने ये देखी कि स्लाइडिंग स्विच पे आपको 200 mA इसमें रखना, जैसे हमने मैनुअल में शो किया। अब मैंने किट मिनिमम सारे पोर्ट रख दिए, किट को ऑन करता हूँ तो मैंने सबसे पहले वही करा, सबसे पहले V1 का जो कि हमें गेट वोल्टेज जो कि एनोड की वोल्टेज को 2 वोल्ट रखता हूँ, एनोड की वोल्टेज को 2 विद द हेल्प ऑफ DC1, इसको मैंने फिक्स रख दिया जैसे मैनुअल में मैंने रखा, और मैंने इसको स्विच को नीचे कर दिया। अब मैं वेरी करता हूँ गेट वोल्टेज जो कि मेरी DC2 से वेरी कर रहा है। जैसे ही अगर मैं करूँगा तो आप देखेंगे मेरे को नोड इसमें क्या करना है, एनोड का करंट और गेट करंट, ये मेरा देखेंगे तो ये मेरा गेट का करंट आ गया और ये एनोड का करंट। तो आप देखो तो पर्टिकुलर स्टेप पे जाके ये मेरा कांस्टेंट हो जाएगा और वो आगे प्रोसीजर बढ़ जाएगा। फिर मैंने दूसरा करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए फिर मिनिमाइज करा, फिर मैंने V1 को ऊपर करा, मैंने वही वोल्टेज एनोड की, फिर मैंने इसको पर्टिकुलर रखा 4 वोल्ट रखता हूँ या 5 वोल्ट रखता हूँ, जैसे मैंने 5 वोल्ट अगर रख दिया देखिए आप, तो ये मैंने 5 वोल्ट फिर मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं गेट वोल्टेज को वेरी करता हूँ, तो जैसे ही वेरी करूँगा तो आप पर्टिकुलर देखिएगा करंट एनोड करंट और गेट करंट नोट करेंगे तो आप देखोगे इनमें क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके लैचिंग हो जाएगा और आपको वो इंक्रीज कर देगा। तो इस तरह से आप रीडिंग डिफरेंट टाइप्स में लेते रहेंगे, तो आप इस तरह से आप अगर एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और टेबल नोट करेंगे तो आपको ये टिपिकल ग्राफ इस तरह से आपका ये बन जाएगा, इस तरह से आप ट्रैक कर सकते हैं। अब मैं आपको ट्रैक करेक्टरिस्टिक के बारे में डेमो करने जा रहा हूँ जो कि एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है। ये इसमें मेरा एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर लिखा हुआ है कि मेरे को पर्टिकुलर क्या करना है, और कनेक्शन डायग्राम में टेबल भी दी हमने, रीडिंग लेनी है, एनोड वोल्टेज लेनी है और आपका उसके बाद करंट आपका मिली एम्पीयर में जाएगा। तो सबसे पहले मैंने कनेक्शन डायग्राम पेज नंबर 19 पे दिया कि मैंने पॉजिटिव एंड मैंने इसके डायग के सेक्शन में पॉजिटिव में दिया, उसके बाद इसी का दूसरा एंड ग्राउंड से लगा दिया जो कि मेरा ये करना है। अब मैंने इसके बाद अमीटर में लगाना है तो ये मैंने एक एंड लिया, ये हाइट के पॉजिटिव एंड में लगा दिया, दूसरा एंड मेरे को लगाना है जो कि उसके बाद मैंने वोल्ट मीटर लगाना है इसके अक्रॉस में, तो ये वोल्टेज का पॉजिटिव एंड मैंने ये मध्य पॉजिटिव में लगाया और ये नेगेटिव एंड मेरे वी मध्य नेगेटिव। अब मैंने इसको स्विच को भी V1 की तरफ कर दिया, मैंने कनेक्शन इसके अकॉर्डिंग लिया मैंने सबसे पहले देख लिया और उसमें 200 mA भी मैंने स्लाइडिंग स्विच को बनाया। अब मैंने सबसे पहले मैंने आपको बताया मिनिमम आपको वोल्टेज की इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ अब मैं धीरे धीरे जैसे वोल्टेज वेरी करता हूँ तो आप देखेंगे पर्टिकुलरली मेरी वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, तो आप देखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो पर्टिकुलर एक स्टेप पे जाके लगभग 27 वोल्ट पे जाके ये मेरा डायग फायरिंग हो जाता है और उसका देखेंगे जैसे फायरिंग हो जाएगा देखिए 23, 24, 25, 26, 27 के करीब आप जाओगे तो ये मैंने कर लिया, तो यहाँ पर आपका डायग फायरिंग हो गया, ये मेरा देखिए डायग की वोल्टेज भी गिरती है और ये मेरा करंट है। तो उसके बीच में अगर आप देखोगे तो ये आपको रीडिंग नोट करते जाओगे और
इसमें अगर आप ग्राफ करोगे तो आपका पर्टिकुलर आप इसमें ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। इसे ये बना लो, इससे मेरा डायट का थैंक यू। ओके, अब मैं आपको करेक्टरिस्टिक ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर के बारे में दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें हमने कॉमन बेस इनपुट करेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप देखेंगे हमने इसमें क्या कनेक्शन डायग्राम यहाँ पे दिए, पेज नंबर 25 पे दे रखा है। उसके बाद एज्यूमिंग टेबल भी दे रखी है कि पर्टिकुलर अगर सी बी को हमने 0 वोल्ट रखा, उसके अगर रखेंगे सेट करेंगे तो ई बी की क्या वोल्टेज होगी और करंट कितना होगा मीटर, तो ये अलग अलग हमने रीडिंग दे रखी है। जिस हिसाब से ये मैंने कनेक्शन किए, जैसे ये मैंने उसमें बना रखा, सारे कनेक्शन प्रॉपर दिए हैं, ये सर्किट अरेंजमेंट और प्लॉटिंग करेक्ट कर दिया हुआ, इसके अकॉर्डिंग ये सारे और ये करेक्ट ग्राफ दिया। अब सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको इसी को लेके चलते हैं। मैंने कनेक्शन लगा दिए, अब मैं ऑन कर दूँ फिर। तो सबसे पहले मैंने कहा सी बी, क्योंकि सी बी मेरी ये वाल्ट हुई है, तो सी बी को 0 वोल्ट रख दिया। अगर आप देखोगे 0 वोल्ट रख दिया मैंने, अब मैं इसको ऊपर करता हूँ क्योंकि मेरे को ई बी वोल्टेज वेरी करना है। तो ये विद द हेल्प ऑफ 0 से 15 वोल्ट को मैं अगर अप करता हूँ, तो आप देखोगे पर्टिकुलर ये रीडिंग नोट करोगे तो ये देखेंगे ये मेरा वोल्टेज आ रही है ई और बी की और ये आई। तो आप देखेंगे पर्टिकुलर स्टेप पे जाके ये कॉन्स्टेंट हो रहा है आपका करंट, ऐसे फिर मिनिमम करेंगे। अब मैंने ये दूसरी रीडिंग लेता हूँ, सी बी को मैंने 1 वोल्ट करता हूँ, तो मैंने क्या करा 1 वोल्ट यहाँ से फिक्स कर दिया, ये 1 वोल्ट मैंने कर दिया, इसको फिक्स रहने दिया। फिर मैंने इसको स्विच को ऊपर करा है, तो मैं अब कौन सी रीडिंग नोट करूँगा, वोल्टेज ई बी की और आई ई करंट की। तो आप देखेंगे इस तरह से अगर एक देखेंगे टिपिकल मेरी रीडिंग आ रही है, तो आप देखेंगे ये वाली रीडिंग सेम लगभग नियर बाई ये आ रही है, ये वेरी भी कर सकती है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल। फिर इसको मिनिमम कर देंगे। अगर ये सारी रीडिंग आप नोट करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से आप ये इनपुट करेक्टर का खराब प्रॉब्लम। थैंक यू। अब मैं आपको करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉस्फेट के बारे में डेमो करने जा रहा हूँ, जो कि मैंने एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है, प्रोसीजर भी दिया है। ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको क्या करना है, जी एस को 3.1 रखना है, फिर जी एस 3.2, जी एस 3.5, 3.4 और ये मैं ड्रेन सोर्स की वोल्टेज और आईडी करंट निकालूंगा। तो उसमें ये मेरे को रीडिंग नोट्स करते हैं, तो इसमें टिपिकल करा इस तरह से। अब मैंने सेम ऐसे कनेक्शन हमने मैनुअल में दिए, ये सेम मैंने कनेक्शन लगाए हैं और आपने देखिए करंट भी है आपको ये स्लाइडिंग से। अब मैंने सबसे पहले ऑन करा के, तो मैंने सबसे पहले जो मैंने हमने किया आपको जी एस को 3.1 रखा है, तो मैंने जैसे जी एस को 3.1 वोल्ट रखा है, तो आप देखेंगे और फिर इसको मिनिमम नीचे कर दिया। तो अब मैं वेरी करता हूँ डी एस की, तो अगर आप देखेंगे डी एस की वोल्टेज करूँगा तो ये मैं पर्टिकुलर अगर नोट करूँगा तो आप देखेंगे ये मेरा आई डी एक पर्टिकुलर जगह कॉन्स्टेंट हो जाएगी और ये मेरा वेरी करता जाएगा। तो आप इसमें रीडिंग नोट्स करते जाएंगे। फिर मैंने मिनिमम करा सेम अगला, फिर मैंने क्या करा 3.1 को 3.2 किए, 3.2 करा तो देखिए 3.2 कर दिया, फिर मिनिमम पर करा। जैसे ही मैं दूसरा डी एस को वेरी करता हूँ तो देखेंगे पर्टिकुलर स्टेज पे अगर आपका ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा और ये डी एस की वोल्टेज आपको बढ़ती है। फिर मैंने मिनिमम करा, फिर वो मैंने 3.4 ले लिया या 5 ले लिया, फिर वो मैंने वेरी करा डी सी कर, तो आप देखेंगे पर्टिकुलर स्टेज पे आगे वो कॉन्स्टेंट हो जाएगी और ये वोल्टेज बढ़ती है। तो इस तरह से अगर आप ये रीडिंग नोट करेंगे तो आपके डिफिकल्ट इस तरह से करना स्टार्ट। अब मैं आपको पी डब्ल्यू एम कंट्रोल यूजिंग लैंप लोड किट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि इसी के साथ ये किट है, पूरा कंप्लीट सेट है ये। तो इसमें हमने पी डब्ल्यू एम कंट्रोल यूजिंग लैंप लोड दे रखा है, पेज नंबर 26 में प्रोसीजर भी लिखा है हमने और कनेक्शन डायग्राम भी बनाया है। तो मैंने क्या करा, पहले किट को ऑफ करके सिंपल वे में मैंने देखिए कनेक्शन लगा रहा हूँ, वोल्टेज के अक्रॉस में मैंने वोल्टेज लगा दिए, आप देखेंगे इसके अक्रॉस में मैंने ये लगा दिया कि मैंने इनपुट मेरा वोल्ट मीटर दिया हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ पर लैंप लोड लगा रखा है और लैंप लोड ये आपका यहाँ पे लगेगा, देखेंगे कैसे कनेक्शन मैंने ऑफ करने का लैंप लोड, और मैंने एमीटर को शॉर्ट कर दिया,
इसलिए मैं इसका इंटेंसिटी इसको कंट्रोल करूँ और ये मिनिमम पर फायरिंग को रखना है। अब मैंने किट को जैसे ही मैंने ऑन करा तो आप देखेंगे, मैं देखूँगा तो आप देखेंगे पार्टिकुलर पॉइंट पे आपका देखिएगा ये फायरिंग जैसे होता है आपका, इसकी इंटेंसिटी कंट्रोल हो रही है और वोल्टेज भी हो रही है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसकी वेव फॉर्म भी सीआरओ में देख सकते हैं। जैसे मैं आपको सीआरओ में इसका पल्स विड्थ कैसे चेंज हो रही है फायरिंग एंगल से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो अब मैंने सिंपल वे में क्या करा, VSO ऑन कर दिया है और मैंने विद द हेल्प ऑफ ये ग्राउंड इसका कॉमन करा है इसकी प्रॉब से और एक पॉइंट हमने दे रखा है यहाँ पर। देखेंगे आप यहाँ पे कंपेरेटर के बाद में एक पल्स विड्थ आती है, तो ये मैंने सीआरओ की हेल्प से अगर आप देखेंगे तो मेरे देखेंगे यहाँ पर पर्टिकुलर एक देखेंगे ये आपकी वेव फॉर्म आ रही है। देखेंगे जैसे ही मैं इसकी फायरिंग एंगल चेंज कर रहा हूँ तो आप देखिए विड्थ आप इसकी कंट्रोल कर रहे हो थ्रू डीसी। तो आप देखेंगे जैसे मैं करता हूँ इंटेंसिटी भी कंट्रोल हो रही है और आपकी पल्स विड्थ भी आपकी इससे फायरिंग एंगल से कंट्रोल। तो इससे हम जो कि हमारा एससीआर यहाँ पे लगे हैं हमने उसके हिसाब से हेल्प से हम इसकी इंटेंसिटी को भी कंट्रोल कर रहे हैं और पल्स विड्थ की हम पोजिशन देख रहे हैं थ्रू सीआरओ और डीएसओ।